हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 12। सो रहा है बार बार हेलो वाइफ आई होप कि अब डिस्टर्बेंस ना हो। यद आदित्य गतम तेजो चूड़ापति प्रभु यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम जगत भाषते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो यच्चंद्रमासि यच्चो यच्च अग्नो यच्चंद्रमासि यच्च अग्नो यच्चंद्रमासि यच्चो अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 12। यद यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम यत चंद्रमासि यच्च अग्नो तत्तेजो विधि मामकम यच्चंद्रमासि यच्चो अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 12। यत यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चो अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् हरि बोल। यस बढ़िया। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यत्र चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् हरि कृष्ण। यस और पढ़ी कृष्ण प्रभु जी। यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यत चंद्रमासि यत च अग्नो तत तेजो बुद्धि मामकम सर्वत्रणम। और कोई गिट बन ठीक है पढ़िए और नेक्स्ट कोई बन गई बहुत आवाज आ रही। और कौन पढ़ेंगे प्रभु जी? लोगों में से और किन्हीं को नहीं पढ़ना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। वेरी नाइस। यस प्रियेश प्रभु। हरे कृष्ण। यत आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यत चंद्रमसि यत चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम्। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत आदित्य तेजो जगत भाषते अखिलम यच्च चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजो विधि मामकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद।
यदादित्यगतं तेजो जगत् भाष्यते अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चग्नो तत्तेजो विधि मामकं हरे कृष्ण हरे कृष्ण यत् यत् अदित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलं यत् चन्द्रमासि यत् जगनो तत् तेजो विद्धि मामकम् हो गया यत् आदित्यगतं सूर्यप्रकाश में तेजः तेज जगत सारा संसार प्रकाशित हो अखिलम संपूर्ण यत जो चंद्रमसी चंद्रमा में यत जो च भी अग्नो अग्नि में तत् वह तेजः तेज विद्धि जानो मामकम अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे निकल चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं गुरु श्रील प्रभुपाद की ठीक है श्लोक को देखते हैं बहुत सुंदर श्लोक है ठीक है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थीम चेंज हो रहा है ठीक है हल्का सा थीम चेंज हो रहा है जो पहले भगवान बता रहे थे तो थोड़ा सा एकदम जरा सा थीम चेंज कर रहे हैं और एकदम चेंज कर रहे हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव यहाँ पे इंद्र तृप्ति कर रहा है तो शायद व्यक्ति सोच सकता है कि इंद्र तृप्ति करने में भोग करने में तो जीव स्वतंत्र है लेकिन ऐसा नहीं इंद्रियों को भोग करने में भी हम स्वतंत्र नहीं भगवान व्यवस्था कर रहा है तभी जीव इंद्रिय भोग कर रहा है और वह मुक्ति के लिए भी तभी अग्रसर हो सकता है जब उसके लिए भगवान व्यवस्था करें तब नहीं तो वह मुक्ति भी नहीं कर सकता यह समझ लेना चाहिए कि इस जगत का उद्देश्य क्या है जगत को बनाने के दो उद्देश्य हैं क्या क्या या तो जीव पूरे जगत को बनाने का दो ही उद्देश्य है और तीसरा कोई नहीं है एक हम सब जीवात्मा बद्ध जीवात्मा जो भोग करना चाहते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए सुविधा उत्पन्न करना पहला नोट करिएगा बहुत अद्भुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और तीसरा कोई कारण नहीं है जगत को बनाने के लिए कि एमए पीएचडी परिवार चलाने के लिए ऐसा नहीं जीवात्मा भोग करना चाहता है तो उसके भोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जगत है पहला कारण हो गया बद्ध जीव भोग करना चाहता है तो उसको सुविधा प्राप्त हो और दूसरा जब वह भोग करते करते जब उग जाए तब वह सोचेगा कि मुक्त कैसे हो तो वह मुक्त होने के लिए भी सुविधा इस जगत समझ रहे यह जगत एक जेल की तरह है जिसमें हम सब लोग भोग रहे हैं क्लियर समझ में आ रहा है क्या दो कारण है समझ में आएगा जब ही जब हम लोग इसे समझ जाएंगे तभी हम लोग को इसको समझ में आएगा पूरा श्लोक क्या दो आगे आने वाले चार श्लोकों में आज से लेकर के चार श्लोकों में लगातार वर्णन है और ये हमें तभी समझ में आएगा ना जब हम इसको अच्छे से समझ पाए तो इसलिए क्या दो कारण है बताइए आप अभी जो चर्चा की है प्रमुख दो कारण प्रभु जी एक ये कि जगत में है कि भोग की सुविधा कराई गई है जैसे कि मनुष्य को भोग करने की इच्छा है तो उसको भोग की सारी सामग्री उपलब्ध कराई गई है और दूसरा कारण ये है कि जो भोग करते करते मन उब गया हो तो जब जीव है कि मुक्त होना चाहता हो तो मुक्त होने का भी साधन इस जगत में उपलब्ध कराया गया है ठीक है मुक्त होने का भी साधन इसी जगत में है और भोग करने का भी साधन इसी यह चीज ठीक है अब देखते हैं तो भगवान देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान भोग की सुविधा भी दे रहे हैं और भोग तो कह रहे हैं यत आदित्य गतम तेज जो आदित्य गतो तेज है मतलब जो सूर्य के अंदर तेज है
जिससे जगत भास्यते अखिलम, जिससे पूरा जगत क्या होता है, उद्भासित हो रहा है, प्रकाशित होता है। यत् चंद्रमसि, जो चंद्रमा है, यत् च यज्ञो, जो अग्नि है, तत् तेजो विद्धि, उसके तेज को जानो, क्या मामक, मुझे जानो, ठीक है, उसमें जो तेज है उसको मुझे ही जानो, ओके, तेज को मुझे ही जानो। तो यही बात यहां पर, जो सूर्य का प्रकाश पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है उसको भी तुम मुझे ही जानो, ठीक है। ओके, तो जो चंद्रमा और अग्नि का तेज है वो मेरा ही तेज। अच्छा, अब क्या आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा है, तो एकदम से भगवान यहाँ पर यह बोलना क्यों शुरू कर रहे हैं? अभी तक जो थीम था वह कुछ और था, अभी एकाएक चेंज कर रहे हैं भगवान, क्या है आखिर, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं प्रभु, एकदम से भगवान यह बोलना। कल बात चल रही थी कि जीव किस प्रकार से क्या इंद्रिय भोग कर रहा है, कैसे शरीर में रह रहा है, उसको एक ज्ञानी पुरुष की आंखों से, है ना, जो ट्रेंड है वह समझ पाता है, और जो व्यक्ति अकृत आत्मनो, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, वह व्यक्ति देखने का प्रयास भी करते हुए भी नहीं देख पाता। याद है ना, हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर बदल रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शरीर बदल, समझ रहे ना, समझ रहे हैं, व्यक्ति व्यस्त है, क्योंकि समझ नहीं पाता है, हमारा शरीर तो वही है, वही सोचते हैं कि हमारा शरीर, हम देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने था वह मर गया, हम लोग देखते हैं इस संसार में, हाँ भाई वह कुछ दिन पहले हमारे साथ ही था, अभी चल गया है, अब वह इस संसार में नहीं रहा, लेकिन फिर भी देखते हुए भी व्यक्ति के मन, नहीं वह चला गया मैं रह जाऊंगा, वह चला गया मैं रह जाऊंगा, ऐसा ही होता है मन में, अरे वो मर गया थोड़ी हम भी मर जाएंगे, ध्यान रखिए मर ही जाए, ठीक है, हमारा शरीर बदल रहा हर क्षण बदल रहा, देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने था वो मर गया है, फिर भी अब देख रहे हैं कि देखते हुए भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए नहीं देख, क्यों, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं है, जो व्यक्ति इंद्रिय संयम कर रहा है वह जान जाता है कि आत्मा शरीर में थी अब चली गई है। अब यह मन में प्रश्न होना चाहिए कि एकाएक भगवान चेंज कर दिए टॉपिक को, क्यों, क्योंकि अब यहां भगवान बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश मुझसे आता है, अब हम भगवद गीता की बात कर रहे हैं, अब देखिए, अब सोचिए थोड़ा सा, मतलब नहीं समझ में आएगा कि प्रभु जी अभी थोड़ी देर पहले भगवद गीता, अब मैं यहाँ पे भगवद गीता की बात कर रहा हूँ, अब एकाएक कोई फिल्म की बात डाल दूं तो प्रभु जी आप फिल्म कहां से घुसा दिए, क्या कनेक्शन, वही बात कह रहे हैं, और बहुत ही गंभीर कनेक्शन, जो बद्ध जीव इस जगत में भोग कर रहा है ना भगवान की व्यवस्था से, यह लिंक को यहाँ समझाने के लिए यह श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो यह श्लोक जब आप समझेंगे तो लिंक आपको समझ में आ, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक, यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत, एक बात यह खाली समझिए कि जो भोग की व्यवस्था है वह कौन कर रहे हैं, भोग की व्यवस्था कौन कर रहे हैं, भगवान प्रभु जी, भगवान की व्यवस्था, भगवान जी इच्छा कर रहा है, अगर यह लिंक आप समझ जाएंगे तो श्लोक समझ में आ जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग, हमारी जो इंद्रियां है उसको भगवान कृष्ण ही, क्या कहते हैं, भोग की जो व्यवस्था है वो भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। अब इसी चीज को बोलने के लिए भगवान यह चार श्लोक यहाँ, इसको आप समझ सकते हैं, आप जरा विचार करो, जगत में सूर्य नहीं होता तो क्या होता, रोटी दाल चावल भी तो नहीं, खाना बनाते तो उसमें अग्नि की जरूरत है ना, तो अग्नि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, यत् च अग्नो,
यत्च अग्नो, उस अग्नि का जो तेज है वह कौन है? मैं ही हूं। तेज कहां से आ रही? भगवान कह रहे यत् तेजो, यत्च अग्नो यज्ञो तत् तेजो, उस अग्नि का तेज में। सूर्य से या फिर अग्नि से तो वह खाने में अच्छा लगता है ना, दाल चावल इत्यादि, वह भी पक रहा है, लेकिन हम जो खा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? चाहे खाने पकाने वाली अग्नि हो, कभी भी नहीं सोचते हैं कि अग्नि को तेज कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। इससे क्या सीखेंगे हम? इससे हम क्या सीखेंगे? इससे हम क्या सीखेंगे? अगर हम भोग की प्राप्त करना चाहते हैं के लिए भी मैं पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित हूं, मैं फ्री नहीं हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा सोचिए, जब से हम पैदा हुए हैं हमें आंख दी गई है, कान दी गई है, मुख दिया, थोड़ा सा ना ये सब विचार कभी कभी मन में आना चाहिए। मुख दिया गया है खाने के लिए, देखने के लिए, यह प्रश्न कभी नहीं करते क्या दिया किस, कभी किसी ने प्रश्न किया है बताओ थोड़ा, आखिर यह क्यों दिया गया है? जस्ट खाना खाने के लिए सोचिए, कभी नहीं करते, समझ रहे हैं? जिसने नहीं दिया है वह ठप्पा लगा रहा है कि यह मेरा बच्चा है, जिसने नहीं दिया है वह ठप्पा लगा रहा है कि मेरा बेटा है, जिसने नहीं दिया है वह ठप्पा लगा रहा है मेरा पति है, मेरी पत्नी है, है? लेकिन हम जानते हैं हमारे माता पिता भी हमारे, क्या इस बात को समझ रहे हैं? माँ के घर में माता पिता आपको नहीं बनाते हैं, आप ही भगवान ही। तो यह प्रश्न हम कभी नहीं करते हैं, हमारी इंद्रियां किसने दी है, कभी नहीं करते। यह समझ में नहीं आता है कि पेट का खाना हजम कौन कर रहा है, जबकि भगवान पहले ही बता चुके हैं भगवान पाचन क्रिया अग्नि के। तो आप इन सारे श्लोकों से क्या सीख रहे हैं? भोग के लिए भी हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर, पूरी तरह से। फाइनली हम तो जितना भी भोग कर पा रहे हैं वह किन की कृपा से निर्भर कर रहे हैं? भगवान के लिए। अब बताओ भगवान अग्र अंदर बैठे बैठे जठरा अग्नि को ही कम कर दे तो आप खाना खाते रह जाओगे और डाइजेस्ट पाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। अब खूब प्रयास करो, खूब खाओ रोटी चावल दाल इत्यादि, सब नहीं होगा, है ना? भगवान पर ही निर्भर है हम भोग करने के लिए, या फिर हम भक्ति कर रहे हैं के लिए भी जो सुख सुविधा की आवश्यकता है उसके लिए भी हम, समझ रहे हैं आप? भोग करने वाले को प्रेरणा भी भगवान ही देते, और जो लोग मुक्ति के पथ पर हैं वो भी प्रेरणा, ठीक है? देख रहे हैं इसको अपने जीवन में घटित होते हुए, देखिएगा इसको, ठीक है? समझते हैं, आइए, बहुत ही रहस्यमय। सूर्य का तेज जो सारे विश्व अंधकार को, विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अब एक जो सामान्य व्यक्ति है वो इस बात को नहीं, जनरल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, उसे तो लगेगा नहीं नहीं या तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसे कैसा आएगा? लेकिन एक भक्त बड़े आसानी से यह बात समझ लेता है, कैसे? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुभव से। हाँ, समझ रहे हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुभव से वो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि भाई अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर पूर्ववर्ती आचार्य अनुभव किए हैं तो सत्य होगा, और फिर हमें शास्त्र की बात को मान करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है और भगवद गीता एक प्रमाणिक शास्त्र है, मैं इसे यथारूप स्वीकार कर लूं। जैसे हम लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं हमारे पिता कौन है, अपनी माता की बात को सुन करके हम लोग समझ जाते हैं कि भाई हाँ हमारे पिता ही है। अब इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं, नहीं मानेंगे हम मेरे क्या क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, घूमो वजियत कर लो, बाद में पता चलेगा। हाँ, समझ रहे हैं? अब देखिए थोड़ा बुद्धि लगाइए, जनरल कॉमन लोगों की बात कुछ सोचिए। सूर्य में क्या हो रहा है, जो ये अग्नि आ रही है, साइंस इसके पीछे क्या लॉजिक देते हैं बताओ थोड़ा, क्या लॉजिक देती है सर? चेन रिएक्शन है प्रभु जी वहां पे। हां, न्यूक्लियर फिजन, क्या कहते हैं उसको, फिशन रिएक्शन। हां, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यही ना, यही होता है कि क्या होता है?
न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यस, और 2k स्क्वायर में टूटते जा रहा है। अब देखिए आप वहां जा करके नहीं गए हैं देखने के लिए, कोई व्यक्ति दूसरा बोल रहा है और वह भी व्यक्ति वहां नहीं गया है देखने के लिए, क्योंकि he has no power, उसके पास पावर नहीं है कि वह सूर्य में जाकर के देखे कि क्या हो रहा है, अंदाज लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है और बोल रहा है और हम लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं। अद्भुत बात यह कि दोनों परिस्थिति में व्यक्ति सुनकर ही विश्वास कर रहा है, चाहे भक्त हो या फिर अभक्त हो, वह वहां देखने के लिए नहीं गया, गेट क्लोज कर दो, समझ रहे हैं, वो वहां देखने के लिए नहीं गया कि भाई हाँ हाँ सूर्य में एकदम न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हमेशा फ्यूजन होते ही जा रहा है, वह वहां देखने के लिए नहीं गया है, लेकिन वह उससे सुन करके, साइंटिस्ट से सुन करके समझ जा रहा है ना। तो इसको समझने के लिए कि यह भगवान से आ रही है, इसके लिए हमें श्रद्धा की छलांग लगानी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, श्रद्धा हम दोनों जगह रख रहे हैं, ध्यान रखिए श्रद्धा हम दोनों जगह रख रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहा है तो वहां भी हम अपनी श्रद्धा लगा ही रहे हैं, तभी हम समझ में आ रहे हैं। अब देखिए कितने बड़े मूर्ख हैं, एक मूर्ख व्यक्ति साइंटिस्ट है, ठीक है मैं मूर्ख व्यक्ति बोल रहा हूँ अपने को, जो व्यक्ति इन सारी चीजों पे विश्वास कर रहा है, भगवान की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, साइंटिस्ट भी जो है सो अपूर्ण है। साइंटिस्ट कौन है? वो अभी कॉमन व्यक्ति हमारे और आपके तरह, थोड़ी सी बुद्धि उसकी तेज है, लेकिन फाइनली वो अभी तो अपूर्ण है, उसकी भी इंद्रियां तो अपूर्ण ही है ना। अब एक मूर्ख व्यक्ति एक थर्ड क्लास के अपूर्ण व्यक्ति के बात का विश्वास कर रहा है, क्या भाई सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति भगवान की बातों पर विश्वास नहीं, समझ रहे हैं, वह भगवान की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन वह थर्ड क्लास के एक व्यक्ति के, एक साइंटिस्ट पर विश्वास कर रहा है जो हमारे और आपके तरह ही अपूर्ण, जो अपने बारे में नहीं जानता है, समझ रहे हैं, पर विश्वास कर रहा है, लेकिन भगवान अगर कह रहे हैं उसके बाद में, और एक चीज ध्यान रखना चाहिए क्या कर रहे हैं, एक तेज सूर्य को आ रही और पूरे विश्व को, मैं अकेला ही मेरे अंश जीव के लिए भौतिक भोग की व्यवस्था करता हूं जो इस भौतिक जगत से आसक्त होता है, और मैं ही जीव की मुक्ति साधित करता हूं। इस भौतिक जगत में यदि वह इस भौतिक जगत में मुक्त मुक्ति चाहता है, यह तथ्य इन चार श्लोकों में वर्णन किया गया, समझ रहे हैं, आसान है, लेकिन इसमें रहस्य क्या है, यह पूरा ब्रह्मांड मेरी इच्छा से, किनकी इच्छा से, भगवान की इच्छा के अनुसार, सॉरी हमारी हमारी इच्छा के अनुसार से अलाइन कर, अगर मैं भोग चाहता हूँ तो मुझे अधिकाधिक भोग प्राप्त होगा, और अगर मुक्ति चाहते हैं एक के बाद एक सुविधा प्राप्त होती है, समझ रहे हैं इस बात को, इंद्रिय भोग चाहिए तो मिलती चली जाएगी, एक के बाद मिलती जाएगी, और अगर हम मुक्ति चाहते हैं होती जाए। ऐसे अगर शब्द मुक्ति में क्यों लगाया जा रहा है जानते हैं, उपाजी इस पे कहते हैं क्योंकि हम मुक्त होना चाहते ही नहीं है, हमें यह जगत ही बड़ा सुखमय लगता है, लेकिन वास्तव में यह जगत में कुछ है ही नहीं, कोई रस नहीं है, कोई सुख है ही नहीं, लेकिन अगर हम भक्तों का संग हुआ हमें, तब हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पर सुख नहीं, और तब सोचता है कि मैं कैसे मुक्त हो सकता, लेकिन अगर मुक्त होने के होने का प्रयास किया जाए भगवान की कृपा से, व्यक्ति कोई प्रॉब्लम, भगवान सारी व्यवस्था बहुत गंभीर, ठीक है। यह जानो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले प्रकाश जो सूर्य चंद्रमा अग्नि में स्थित है वह मेरी, कोई डाउट है, भगवान बोल रहे हैं, जीव के कर्मानुसार जो भोग उसे प्राप्त होने चाहिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म सूर्य प्रकाश के द्वारा और उस अग्नि के द्वारा जो प्रज्वलित, आप जानते हैं कि हमें जो भी भोग प्राप्त हो रहा है वो हमें पूर्वगत कर्मों के अनुसार से प्राप्त, जानते इस बात को। अब अगर किसी को कोई भोग प्राप्त होता है तो वह प्रयास करेगा, और उस प्रयास का रेगुलेशन अगर आप समझ लें बड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए, फुल्ली सूर्य के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए एक चीज तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश भी, सॉरी सूर्य का प्रकाश ही गुणों को परिवर्तित करता है, या तो दिखाया होगा सूर्य के प्रभाव के द्वारा रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ऊपर नीचे होते हुए दिखता है,
सवेरे उठते हैं, अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो आप अनुभव कर पाते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, तो जप करते हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, ध्यान रखिए, जैसे जैसे दिन होता जाएगा हमारा मन जप में लगेगा ही नहीं, होता ना अनुभव, होता है कि नहीं? जब दिन चढ़ता जाएगा तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, लेकिन अगर सवेरे उठ करके आप जप कर लेंगे बड़ी शांति के साथ ध्यान से होगा आप जप कर, और जैसे 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 सूर्य उदय होता जाएगा आप जप नहीं कर, मन कर सकते हैं बस काउंटिंग होगी, माला नहीं हो पाएगी, फिर जप नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सवेरे 5 to 7 AM लोगों ने इसलिए तो रखा है ना, 5 to 7 AM बड़ा सोच समझ के रखा भाई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, समझ रहे हैं? अब देखिए जब सवेरे उठते ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है तो हमें लगता है कि हम जप करते रहे, और जैसे 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 दिन चढ़ता जाता है आप देखते होंगे कि जप करने में रुचि एकदम कम होती जाती है। या आप कल से करने का प्रयास, कल सवेरे उठिए 4 बजे स्नान करके बढ़िया से जप करने का। अब देखिएगा कि ज्यादा मन में प्लानिंग आएगा ही नहीं, और आप देखना फिर जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आपकी खिड़की से धीरे धीरे अंदर आने लगेगी, जैसे जैसे सूर्य उगता जाएगा तुरंत मन में खलबली चालू होने, तेज आज इसको बोला था के पढ़ाई क्या करनी है, ओके खाना क्या बनाना है, सो मैनी प्लानिंग्स। लेकिन अगर सवेरे बैठे हुए तो नहीं आए, देख रहे ना, ये किसके कारण हो रहा है? सूर्य के कारण हो रहा है। अब कल करने का प्रयास, कुछ करना है, यह करना है, वह करना, सब चालू हो जाए, और उसके बाद जैसे जैसे प्यास्त होने लगता है तो आपको नींद आती है, थकावट होती है, समझ रहे, तमोगुण बढ़ता है। जनरली लोगों को तब गंदे कार्य करना रात को ही पसंद, शराब पीना कब पसंद करते हैं लोग, डिस्को में कब जाते हैं, शाम को, सारे डिस्को दिन भर बंद, मांस खाना भी कब, रात को, बॉम्बे में वो चाइनीज और ये पब वगैरह जनरली दिन भर बंद, रात को चार, रात को एकदम जितने भी गंदे कार्य हो रात को तुरंत तमोगुण, जैसे ही सूर्यास्त हुआ तुरंत तमोगुण को चांस देता है, बेटा अब तू आ जा, तमोगुणी लोगों के लिए अब यह कार्य करेंगे, और सुबह सतोगुणी लोग, है ना? इसलिए हमें अपने कार्य को इस प्रकार से बांटना चाहिए, सवेरे 3 से 11 का समय सत्वगुण का, 11 से 8 का समय रजोगुण का, और 8 से फिर 3 का समय तमोगुण कर से बांटेंगे तो बड़ा सुंदर जीवन बार बार में, ठीक है? केवल सूर्य को पकड़े ना तो वह सबकी व्यवस्था है, और अग्नि से तो हो ही रही है, समझ रहे, खाना पक रहा है तो अग्नि से, लाइट जला रहे हैं अग्नि से, और गाड़ी चल रही है, एवरीथिंग यह कर्म शिव के सुख के कारण होते हैं, और वे अंधकार और आलस्य का नाश करने वाले होते हैं। अब सोचिए कल सूर्य उगे ही नहीं तो शायद कुछ लोग उठेंगे ही नहीं, क्योंकि उगने से व्यक्ति का आलस्य नष्ट होता है, होता है कि नहीं? और फिर व्यक्ति कर्म, ध्यान रहे, मुक्त होना है या भोग करना है, दोनों के लिए हमें कुछ करना होगा, कुछ भी भोग के लिए या फिर मुक्त करना ही होगा। जब चंद्रमा उदित होता है तो औषधियों को गर्मी और कष्ट का निवारण होता है, हमें हार कर, ऐसे आप जानते हैं चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे सब, ठीक है? चंद्रमा लोगों के लिए रोमांटिक होने के लिए प्रेरित करता है लोगों, समझ रहे हैं ना, विहार करने के लिए बोल ही रहा है यहाँ पे, विहार करने के लिए, रोमांटिक होने के लिए प्रेरित, ठीक है? और वैसे भी एक चीज और जानते हैं हम चंद्रमा का गुण, ये सब्जियों में रस कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है, जड़ी बूटियों में जो गुण आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा, ठीक है? जो प्रकाश सूर्य चंद्रमा और अग्नि में यह प्रभाव प्रस्तुत करता है वह प्रकाश रूपी। अब एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भगवान कह रहे हैं मेरा तत्व है, मैं हूँ, मेरा अर्थ, यानी कि भगवान भौतिक तत्व बन गए, अभी तो वह भगवान की शक्ति है, भगवान में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सूर्य है, अग्नि है, चंद्रमा है, नहीं, यह सब भगवान की विभूति है, मतलब एक्सपेंशन, यस, तात्पर्य पढ़िए। जी तो तात्पर्य में श्लोक बता रहे हैं
अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक बात, जब भी हम भक्ति करते हैं लोग क्या बोलते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करोगे, समाज की सेवा नहीं करोगे, इसलिए इंजीनियर बना था। अगर पूछ लिया जाए कि भाई चार माला कर रहा हूँ, आधा घंटा लग रहा है, क्या सारे माता पिता की सेवा उसी आधे घंटे में कर, पूरे समाज की सेवा उसी समय में आती है? पहली बात तो यह सोचिए कि जो ऐसे महात्मा लोग बातें करते हैं ना, वह लोग प्रायः अपने माता पिता की, और अगर उसे बोल दो कि वह लड़का अमेरिका, भाई बगल का लड़का अमेरिका चला गया, जिंदगी भर माता पिता के पास नहीं आया, तो फिर उसे माता पिता का ध्यान नहीं आया, वह नहीं बोले। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे ऊपर उपकार है, उन्होंने हमें यह शरीर दिया है, सही बात है, करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण हमारे अस्तित्व, हर क्षण हवा पानी चावल दाल, जिसने हर चीज के लिए हम आश्रित हैं, उससे हमारा कोई कर्तव्य? हवा अगर बंद कर दिया जाए तो कितना दिक्कत हो। अब बताइए, माता पिता तो हवा नहीं दे रहे ना, जो हवा दे रहे हैं उसके लिए कुछ कर्तव्य बनता है नहीं? सारे श्लोकों से हमें सीखना चाहिए भगवान के प्रति हमारा कितना बड़ा कर्तव्य। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान सबको खिला रहे हैं, भगवान को खिलाने की क्या आवश्यकता है, मतलब कोई अगर व्यक्ति हमारे लिए प्रसाद स्पॉन्सरशिप किया है तो उस व्यक्ति को हमें प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है, है ना? यही है ना इसका सेंस। जो व्यक्ति हमें खाना खिलाए उस व्यक्ति को हमें प्रसाद देना चाहिए ना, बताओ। अभी तो इस जगत में तो साधारण सा नियम है कि जो हमें देता है हम उसी को देते हैं, जो कुछ नहीं देता है उसको नहीं देते हैं। तो ये मानव समाज का एक हाईएस्ट लेवल की कृतज्ञता है, हम उपकार नहीं मानेंगे, ठीक है? जो सबसे बड़ा उपकार कर रहा है उसके, हमें समझना चाहिए कि हम लोग अपने भोगों पर। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली को देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि सारी चीजें भगवान की कृपा से आ रही, कृतज्ञता आती है, वह समझता है कि कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं। महाराज संबंध में कहते हैं कि अगर सवेरे सवेरे आप लोग उठें तो भगवान बहुत सुंदर एक एकदम लाइट बिल भी, देखिए आज तक आप लोगों ने सूर्य का प्रकाश इतना किया है यूज, इतना जीएसटी, इतना सीएसटी, क्या कहते हैं सीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी लगा करके भेज दिया जाए, और एक यूजीएसटी यूनिवर्सल जीएसटी भी लगा करके भेज दिया जाए। सोचो पूरे जगत में, पूरे जीवन में कितना लाइट यूज, कितना बिल आएगा। एक महीने की बिल की बिजली का बिल आता है, हालत खराब हो जाती है व्यक्ति की, समझ रहे हैं? लेकिन महाराज कहते हैं कि भगवान ये सारी छोटी छोटी चीज नहीं, बहुत उदार है, यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अरे छोटे लोगों को भोग करने दो, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो भगवान को। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है, ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक हैं। कोई सर नहीं है, है ना, सारा रिसर्च खत्म। ब्रह्मांड अनेक है, अन्य ग्रहों में भी जीवन है क्या प्रभु, क्या आकाश गंगा से परे भी है, सब कुछ खत्म, भगवान कह रहे हैं मतलब है। यस, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता 10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम महम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला जो दिव्य तेज है ना, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और उसी का प्रकाश यहाँ में सूर्योदय के साथ ही मनुष्य काय, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए अग्नि जलाते, अग्नि की सहायता से अनुभव किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। ठीक है, इन सब से क्या सीख रहे हैं कि मतलब भोग करने की सुविधा कौन दे रहा है, भगवान ही प्राप्त कर रहे हैं।
के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। कैसे अगर कोई समझ लेता है कि सूर्य का प्रकाश कृष्ण से आ रहा है तो भक्ति करेगा, क्या करेगा, कृतज्ञ होगा, अरे हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। जब गर्मी होती उनकी है कृपा के तब रात में चंद्रमा बड़ा बढ़िया टेरेस के ऊपर नींद आप लोग वनस्पतियों भी उनकी कृपा से पूछ। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि और ना सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाला यही कतिपय विचार है। हरे कृष्ण। बोला था प्यार करना चाहिए, ठीक है, प्यार करना चाहिए कि यह वस्तुएं कितनी हैं और यह कहां से आई। मान लीजिए किसी खंडहर में चले जाइए, पूछते हैं ना अरे ये खंडहर किसका था। स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न आता है किसका किला था, गए किले में देखना, जाते ही मन में प्रश्न होने लगा, घर से प्रश्न होने सारी चीजें। ओके थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रश्न है क्या? हाँ थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम था, वॉइस प्रॉब्लम। ओके सो आई विल अपलोड द